अस्सलाम वालेकुम सैजेरियस, मैं हूं हारिस अजमी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूं बड़ी खबरों के साथ। ये जो हमने जुपिटर के घर की तब्दीली का आपको पूरा फिनोमेना समझाया है, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट सैजिटेरियस को देगा। वो सैजिटेरियस हाउस में ही दाखिल हुआ है, मतलब पहले घर में सैजिटेरियस को मुयस्सर आ चुका, सैजिटेरियस के अपने ज़ाती घर में। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर जो मेजर एडवांटेजेस हैं वो मैं बयान करता हूँ, क्योंकि अगर मैं बयान करने लगूँगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। ज़िंदगी में आसानी तो आएगी ही आएगी, क्योंकि ये फसल बहार है सैजिटेरियस के लिए। जुपिटर एक साल तक के लिए दाखिल हुआ है, पहले घर में एक साल पूरा रहेगा। इस हाउस में प्रमोशनल एलिमेंट्स बढ़ेंगे, रिस्पेक्ट लेवल इंक्रीज होगा, कुदरती सलाहियतों में तेज़ी आएगी, गॉड गिफ्ट्स इन्हेंस होंगे, तरक्की की नई राहें खुलेंगी और आप खुद भी सही राहों का तायुन कर सकेंगे, गलतियों का अजाला कर सकेंगे, बुरी आदतों को ख़त्म कर सकेंगे। नेम फेम वाले सैजिटेरियस जो शोहरत के लिए ख्वाहां थे या शोहरत की कोशिश कर रहे थे, वो बहुत फ़ायदा उठाएंगे। सियासतदान सैजिटेरियस बहुत फ़ायदा उठाएंगे, कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड सैजिटेरियस बहुत फ़ायदा उठाएंगे, राइटर्स सैजिटेरियस बहुत फ़ायदा उठाएंगे, ये शायर और अदीब। सेहत में बेहतरी आएगी, ना सिर्फ बेहतरी आएगी बल्कि तेज़ी आएगी। ह्यूमन ऑर्गन परफॉर्मेंस पे इस पॉजिटिविटी का, इस आसानी का, इस बहार का बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। ज़्यादातर शोबे खुशबख्ती के इवज़ ही कामयाबियाँ उगलना शुरू कर देंगे। शान शौकत में भी इजाफा होगा, ऐसी सिचुएशन में जेलिसी फैक्टर भी बढ़ जाएगा, तो आपको अपने स्पिरिचुअल सेक्टर पर काम करना चाहिए। सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें ज़रूर कंसीडर करिए। इतनी बड़ी खुशी के दौर में सारे ही लोग आपकी कामयाबियों से खुश नहीं होंगे, कुछ लैग पुल करने की कोशिश करेंगे, कुछ हसद करेंगे और कुछ आपके मुकाबले के लिए खड़े हो जाएंगे। तो सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें आपको इस तरह के छुपे हुए दुश्मनों से रिकवरी देगी। इस रिकवरी को डेली की बुनियाद, इस सूरा को डेली की बुनियाद पर कंसीडर करें। और एज अ सैजिटेरियस ब्लू सफायर अगर आपने अपनी साढ़ शक्ति के दौर से बना रखा हुआ है तो वो पहने। जिन लोगों ने अभी तक नहीं बनाया तो वो या तो ब्लू सफायर बनवा लें या फिर येलो सफायर। ब्लू सफायर बहरहाल येलो सफायर से ज़्यादा ताकतवर है, फ्रेंडली तो नहीं है, मतलब इन अ सेंस के थोड़ा सख्त है, लेकिन जो लोग महसूस करते हैं कि उनके जिस्म ताकतवर हैं, जहन ताकतवर है, तो वो ब्लू सफायर ज़रूर पहने या फिर लो पोटेंसी पहन लें। जैसे अमूमी तौर पर 30 ईयर की उम्र वालों को 8 कैरेट पहनना होता है, तो ये लोग 7 कैरेट या 6 कैरेट पहन लें तो इनके लिए अच्छा रहेगा। तिजारत पेशा जो ट्रेडिंग वाले लोग हैं उनमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, स्पेशली ये जो स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग करते हैं वो, उनको थोड़ा सा इशू हो सकता है। और सरकारी मामलात में भी, हकूमती मामलात में भी कुछ आपको इशू हो सकता है, तो अपने डॉक्यूमेंटेशन का जो पहलू है उसको फुलफिल रखिएगा। ये जो दीगर वक्त की बहारें हैं ये आपकी इनर एबिलिटीज़ को, सलाहियतों को, प्रॉफिट लेवल को, नेम फेम को, इनको इंक्रीज़ कर रही हैं, लेकिन इस इंक्रीज से आप नज़रों में जल्दी आ जाएंगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप लोग रहेंगे। तो अगर आप बहुत पॉजिटिव हैं, सीधे रास्ते पर चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो मोहतात रहिए उस सेक्टर में, अपना कमज़ोरी किसी को ना दीजिए, राज मत उगलिए। पुरानी यादों में वापसी हो सकती है, जहन उधर जा सकता है, एंड पुरानी मोहब्बत भी वापस आ सकती है, एंड पुराने मंसूबे भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ये आखिरी खबर थी सैजिटेरियस के लिए। होपफुली ये खबरें आपके काफ़ी काम आएंगी और आप अपनी ज़िंदगी को इस हफ्ते इन खबरों के इवज़ अच्छे अंदाज से मैनेज कर सकेंगे। ये भी एक बहुत अच्छी साइंस है अपने प्लानिंग्स के लिए, वक्त को समझ कर आप अच्छे अंदाज से कर सकेंगे। इसके अलावा मैंने बहुत सारी खबरें तो सुना दी, कोई खबर ऐसी रह गई हो जो आप अपनी ज़ात के बारे में अलग से पूछना चाहते हो तो उसके लिए हम लोगों ने लाइव सेशन हर मंडे को रखा है। मंडे को रात 10 बजे आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ तो 10 बजे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा हमारे लाइव आने का, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ बताकर इंडिविजुअल लाइफ चार्ट के बारे में सवालात कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।